चलिए अयोध्या से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल रामलला दर्शन का नया मार्ग होगा शुरू। राम जन्मभूमि पथ पर नए मार्ग का शुभारंभ किया जाएगा। भक्तों के लिए आज से खुल जाएगा श्री राम जन्मभूमि पथ। आज नए दर्शन मार्ग का शुभारंभ होगा। तो 556 मीटर लंबे राम जन्मभूमि पथ से गुजरेंगे श्रद्धालु। 39 करोड़ की लागत से बना है दर्शन मार्ग। करीब 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है ये मार्ग, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। 556 मीटर लंबे राम जन्मभूमि पथ से गुजरेंगे श्रद्धालु। 39 करोड़ की लागत से ये दर्शन मार्ग बना है, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। तो रामलला दर्शन का नया मार्ग आज शुरू हो रहा है। तो राम मंदिर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब फाइनल हो गई है। 24 जनवरी को गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने यह जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 24 जनवरी को गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने इससे जुड़ी हुई जानकारियां दी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री को लेटर भेजा गया था, उस पर मुहर लगने के बाद ये तारीख फाइनल कर दी गई है। 14 जनवरी को खरवास समाप्त हो जाएगा। 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है वो प्रारंभ होगा और यह कार्य जो है चलेगा 24 तक। 24 को समाप्ति जिस दिन होगी उसी दिन कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का वो पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण होते ही जो नई प्रतिमा वहाँ रामलला की स्थापित की जाएगी उसके कार्य पूरे हो जाएंगे। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, वो तारीख भी अब मुकर्रर कर दी गई है जिस तारीख का इंतजार करोड़ों राम भक्तों का था। जी हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि लंबे समय से जो है अयोध्या में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण की जो तारीख के साथ साथ वो पल की इंतजार का था कि जब रामलला का सीधे भव्य मंदिर में दर्शन होगा, वो आज वह तारीख भी सामने आ गई है। और उसके साथ ही जो सीधे जो अयोध्या आने वाले दर्शनार्थी हैं वो सीधे राम जन्मभूमि तक पहुंच सके, इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और हम इस समय जन्मभूमि पथ पर हम आपको ये रास्ता दिखाते हैं कि ये सीधे राम जन्म मंदिर तक गया है। जो नया भव्य मंदिर बन रहा है ये जन्मभूमि पथ है। लगभग 556 किलोमीटर का ये जो है ये पूरा पथ है और 39 करोड़ की लागत से इसे पूरी तरह तैयार किया गया है। आज इसका ट्रस्ट के अधीनस्थ जो इस पूरे जो पथ का जो है शुभारंभ किया जाएगा। और जहाँ पर ये जरूर है कि जो आने वाले दर्शनार्थी है उनके बैठने की, उनके सामानों रखने की, लाकर की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई है। लेकिन ये साफ है कि ट्रस्ट ने इसके पहले भी ये साफ कहा है कि राम मंदिर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ, इसीलिए कि आगे जो एक बड़े सुरक्षा के वो तैनात किए गए हैं, आधुनिक मशीनों को लगाया जा रहा है। आज इस जो है पथ का शुभारंभ होने जा रहा है। तो वही जिस प्रकार से लंबे समय से लोगों को जिस तारीख की इंतजार थी वो तारीख भी अब सामने आ गई है। तो ये जरूर है कि अब मंदिर निर्माण के साथ साथ अब रामलला को भव्य मंदिर में दर्शन करने की जो लोगों की इच्छा थी वह पूर्ण होती नजर आ रही है। और आज से कहीं ना कहीं एक अच्छे पल की शुरुआत हो रही है कि जब नए पथ के रास्ते जन्मभूमि के दर्शन नए मार्ग से सीधे राम मंदिर में प्रवेश करेंगे और वहां पर दर्शन करेंगे उसकी आज शुभारंभ है। ट्रस्ट और जिले के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे। लगभग 1:30 पर इस सड़क का जो शुभारंभ होना है। देखिए यहाँ पर अभी से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं, यहाँ जो है सीधे रामलला के दर्शन के लिए इस रास्ते का जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक लंबे समय से था और लोगों के अंदर बड़ी उत्साह है। जो अयोध्या के साधु संत बहुत ही खुश है क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद यह पल अब सामने आया। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए।